हाय दोस्तों, मैं हूँ उमेश। आप लोग मुझे जानते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ठोस अवस्था पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक कोष्ठिका का वर्गीकरण, इसको कैसे बांटा गया है दोस्तों। दोस्तों इसको दो पार्ट में बांटा गया है। वो कौन से पार्ट है, तो देखो, एक है आद्य एकक कोष्ठिका और एक होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, देखो आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका और ये क्या है, केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, इन दो हिस्सों में से बांटा गया है। अब ये क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, आद्य एकक कोष्ठिका वो कोष्ठिका होती है, रुको मैं बोल के बताऊंगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो अभी मैं आपको बना के बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। आपको ऐसे एक वर्ग बना लेना है दोस्तों अपनी कॉपी पे। ठीक है, देखो ये एक आपको ऐसे एक वर्ग बना लेना है। ठीक है, और वर्ग बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसके अवीकर, देखो याद करो मैंने आपको बताया हुआ है, छोड़ो इसे यहां पे, देखो उसको जाने दो, लेकिन वो आपको दोहराना है पीछे का पूरा। देखो इसके ये क्या बना रहा हूं मैं, गोला गोला अवीकर बना रहा हूं। देखो जैसा पीछे हम लोग बनाते थे किसके अंदर, जालक क्रिस्टल में बनाते थे। ठीक है, देखो ये आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ये इसके जो कोने हैं, ये क्या है, ये इसके कोने थे, इन कोनों के ऊपर आपको क्या करना है, एक एक अवीकर दे देना है। ठीक है, क्या दे देना है, अवीकर दे देना है। अब देखो वो अवीकर क्या हो सकते हैं, कोई परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, वो आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्या करना है, देखो आपको एक वर्ग बनाना है, वर्ग के पास आठ कोने थे, आठ कोनों के ऊपर आपको क्या करना है, अवीकर रख देना। ठीक है, क्या रखना है, अवीकर, एक दो तीन चार पाँच चार, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये गलती से बन गया दोस्तों, जबकि इसके पास चार कोने ही होते हैं, तो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, देखो ऊपर चार कोने और नीचे चार कोने, ठीक है, तो आठ कोने वो हो गए और आठ अवीकर को हम लोगों ने रख दिया। ये जो आप देख रहे हैं इस चीज को हम लोग कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। ठीक है, मतलब एक एक कोष्ठिका जो होती है उसके जो कोने होते हैं सिर्फ और सिर्फ उस पर आपको जो अवीकर देखने को मिलेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आद्य एकक कोष्ठिका। एक बार और बोल देता हूं, देखो एकक कोष्ठिका के कोनों पर जब आपको अवीकर देखने को मिलेंगे तब हम लोग उसको बोलेंगे आद्य एकक कोष्ठिका बोलेंगे। ठीक है, और केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होते हैं, देखो ये जैसे कि आप लोगों ने बनाया आद्य एकक कोष्ठिका, तो आद्य एकक कोष्ठिका में क्या हुआ, ये जो अवीकर किनारों पे देख कोनों पे देखने को मिले, और केंद्रित मतलब वो केंद्र में कहीं भी हो सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, ये आठ अवीकर तो होंगे आठ कोने पे, इसके अलावा भी आपको अवीकर देखने को मिलेंगे, कहां देखने को मिलेंगे, केंद्र में देखने को मिलेंगे, वो बॉडी के एकदम केंद्र में हो सकते हैं या फिर फलक के केंद्र में हो सकते हैं, तो इसके भी तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, अब एक एक केंद्रित एक एक कोष्ठिका के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो देखो अब देखो केंद्रित एक एक कोष्ठिका के अपने तीन प्रकार होते हैं, कहां लिखूं, एक काम करते हैं दोस्तों, देखो यही मैं आपको समझाता हूं। देखो एक होता है अंत एकक कोष्ठिका, कौन सा एकक कोष्ठिका होगी, वो होगी अंत एकक कोष्ठिका। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, देखो ये पूरा का पूरा तो ऐसे ही होगा, इसके बीच में आपको एक अवीकर देखने को मिलेगा, कहाँ पे, एकदम बीचों बीच आपको अवीकर देखने को मिलेगा। को आपको मैं समझाता हूँ, एक बॉक्स लेके अभी आपको मैं समझाता हूँ, प्रेम बॉक्स देना जरा। ठीक है, एक मिनट रुके, आपको मैं अभी एकदम ढंग से समझाता हूँ। तो देखो ये आप बॉक्स देख रहे हैं,
तो देखो ये क्या है, आपका एक वर्ग मान लेते हैं इसे। तो देखो किन कोनों पे, ये एक कोना हुआ, दो कोना, तीन कोना, चार कोना। चार कोना हुआ तो इसके नीचे ही एक दो तीन चार कोने हुए, मतलब आठ कोने हो गए। मतलब ये क्या आपका जो था अभी वाला आधेकक कोष्ठिका बोल सकते थे हम लोग, बोल दिए। अब देखो केंद्रित एकक कोष्ठिका में एक सबसे पहला जो इसका हिस्सा होगा उसको हम लोग बोले अतंत एकक कोष्ठिका। इसके अंदर क्या होगा, ये देखो आपको पूरा का पूरा क्या देखने को मिल रहा है, एकक कोष्ठिका देखने को मिल रहा है। एक 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 कोष्ठिका के एकदम बीच में बात कर रहा हूं मैं, एकदम बीच में, एकदम बीच में। अभी आपको तो बीच में इसमें कैसे दिखा सकता हूं, एक मिनट, एक मिनट जरा मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो देखो इसके बीच में अगर मैं बात करूं तो कहां देखने को मिलेंगे आपको, देखो यहां कहीं एकदम बीच में, मतलब यहां कहीं आपको एक अवविकर देखने को मिलेंगे एकदम बीच में, एकदम बीच में। मतलब यहां पे देखो, यहां से भी इसकी कुछ दूरी होगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और अगर मैं इसको बंद कर दूं तो इससे भी कुछ दूरी होगी, ठीक है। तो यहां पे जब आपको देखने को मिलेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे, देखो ये एकदम बीचों बीच होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, अतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे देखो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, आपको जैसा पढ़ना हो पढ़ लेना। अतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो अब दूसरे में क्या होगा, दूसरा भी मैं अभी आपको रहने दो, प्रेमा भी उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या होगा, देखो फिर से आपको वर्ग बनाना है, बना लो। अब हम लोग केंद्रित एकक कोष्ठिका का अब हम लोग दूसरा वाला हिस्सा देखने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके तीन हिस्से होते हैं, तीन में से पहले वाले को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये देखो ये, अब देखो जैसे कि मैंने बोला केंद्रित एकक कोष्ठिका में भी क्या होगा, कोनों पे आपको अवविकर देखने को मिलेंगे, बना दो, ठीक है, कोनों पे बना दो इसे। तो देखो चार ऊपर और चार नीचे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग किसको पढ़ने वाले, फलक एकक कोष्ठिका। फलक एकक कोष्ठिका में क्या होगा दोस्तों, जो फलक एकक कोष्ठिका होती है इसके अंदर आपको जो अवविकर देखने को मिलेंगे वो कहाँ देखने को मिलेंगे। फलक का मतलब क्या है दिखाओ प्रेम, फलक का मतलब क्या है, देखो फलक का मतलब क्या है, ये जो आपको ये एक हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये एक फलक है, ठीक है। ये जो आपको ये ऐसा वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये एक फलक है, ये भी एक फलक है, ये भी एक फलक है, ये देखो हाँ ये जो हिस्सा है ना ये एक फलक है, ठीक है। ऐसे ही ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक फलक है, फलक फलक, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे एक एक फलक है। जब इनके केंद्र में, जब इनके केंद्र में देखो, जब यहाँ पे एकदम बीचों बीच में इनके केंद्र में जब आपको अविकर्ण दिखाई देंगे इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके और इसके, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, फलक। फलक क्यों बोल रहे, क्योंकि फलक के एकदम बीच में, तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। फलक क्यों बोल रहे हैं, फलक केंद्रित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो आप एक हिस्सा देख रहे हैं ना ये वाला, देखो ऐसा ये, इसको हम लोग फलक बोलते हैं, और फलक के बीच में, तो क्या हो गया फलक केंद्रित। अब देखो यहां पे दिखाई देगा ऊपर वाले फलक के बीच में, साइड वाले फलक के बीच में। अब देखो बात कर रहे ये वाले, तो ये वाले भी फलक के बीच में होगा और ये वाले भी फलक के बीच में होगा, नीचे वाले फलक के बीच में होगा। फिर क्या होगा, यहां पे दिखाई देगा आपको तो ऊपर वाला ऊपर वाले के भी फलक के बीच में होगा और इधर होगा, तो क्या यहां पर भी होगा, देखो यहां पे है तो यहां पर भी होगा, तो यहां देखो यहां पे है, देखो ये यहां पे है तो पीछे वाले में भी होगा, तो ये आगे वाले का बना दिया मैं और पीछे वाले का भी इसके अंदर ही बना देता हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि फलक एकक कोष्ठिका क्या होता है। और एक लास्ट में आता है आपका, देखो इसमें ही बना देता हूं, वहां बना दूंगा तो दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है।
तो देखो अब एक आता है अंत एकक कोष्ठिका, अंत एकक कोष्ठिका, ठीक है, इसको दे दो अंत एकक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अंत एकक, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके अंदर क्या होगा, दो विपरीत फलक के बीच में, दो विपरीत फलक के बीच में आपको अव्यीकर देखने को मिलेंगे। जैसे देखो ये एक है तो इसका विपरीत क्या हुआ, ये, यानी कि इसके भी अंदर आपको फलक सिर्फ विपरीत में देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसका विपरीत ये, मतलब अव्यीकर यहां है तो दूसरा अव्यीकर ये यहां पे दिखाई देगा। अगर इधर बात कर ले तो एक अव्यीकर यहां दिखाई देगा और दूसरा अव्यीकर यहां, मतलब विपरीत में दिखाई देगा आपको, ठीक है, उल्टे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अतत एकक अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखो अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसका विपरीत क्या हुआ, नीचे, ठीक है, ऐसे इसको हम लोग बोलेंगे अतंत एकक केंद्रित केंद्रीय एकक कोष्ठिका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।